नमस्कार, मैं हूँ राजिका, स्वागत करती हूँ आपका सर्च इंडिया न्यूज में। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में लैंडस्लाइड के हुए दूसरे हादसे में चलती बस के ऊपर पहाड़ गिर गया था, जिसकी वजह से बस में यात्रा कर रहे यात्री मलबे के अंदर फंस गए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए आज सुबह ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था, जिसमें 14 लोगों की जान बचाई गई है, लेकिन 3 शव बरामद हुए हैं। इसके बाद मरने वाले की संख्या कुल मिला के 13 हो गई है और 14 लोगों को बचाया जा चुका है। आज सुबह फिर से बहुत जल्दी हमने सुबह ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है और उसमें अभी 3 बॉडी और मिली हैं, कुल मिलाकर के 13 बॉडीज, डेड बॉडीज जो है वो अभी तक प्राप्त हुई हैं। और इसके अतिरिक्त जो बस के वहाँ पर ढूंढने की कोशिश की जा रही है, उसका मलबा तो मिल गया है और ये मालूम पड़ा है कि बस जो है वो सड़क पर नहीं है और सड़क से नीचे गिरी है वो ढांक में, और कहाँ जैसे उसकी लोकेशन है उसको थोड़ा सा लोकेट कर रहे हैं, क्योंकि शायद वो मिट्टी के नीचे कहीं दबी पड़ी है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, जिससे हमारे चैनल पर अपलोड हो रहे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का पता आपको टाइम पे चल सके। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद सर्च इंडिया न्यूज़।